अगर इंसान का चोला मिला है कुछ नेक काम कर्म करके जाओ, जो इंसान नेकी नहीं करना जानता है, कबीर साहब ने तो सीधा रास्ता बताने में और भी आसानी कर दी थी। कबीर कहे कमाल से दो बातें कर ले के साहिब की बंदगी के भूखे को कुछ दे, या तो साहिब की बंदगी मालिक की भक्ति करो निर्बाध निर इच्छित होके, सब कल्पनाओं को त्याग के सोचो ही मत कुछ भी। जब तुम एकांत में जाते हो चाहे 5 मिनट के लिए जाया करो, भूल जाओ सब कुछ, अपने आप को भी खो जाओ एकदम। जब तुम उस अवस्था में आ जाओगे खो जाने की में, तुम देखोगे फिर वो आप ही आप हो जाता है। अंग्रेजी में दो शब्द थे तो नहीं लेकिन मैंने देखे थे कहीं, कौन बोला होगा नहीं बोला होगा लेकिन कल्पना उसने बहुत अच्छी की। तो कोई जाके अंग्रेजी में महात्मा बुद्ध से कहने लगा कि आई वांट हैप्पीनेस, मैं खुशी चाहता हूं शांति चाहता हूं। बोले आई तो ईगो है अहंकार है, इसको छोड़ दे। वांट इच्छा है, डिजायर है तुम्हारी, इच्छा को भी छोड़ दे, हैप्पीनेस बाकी बच गई। जो ईगो और डिजायर इच्छा को दोनों को त्याग देगा उसके पास शांति अपने आप आ जाएगी। अब ईमान को छोड़ दो, इच्छाओं को दूर करो, शांति है वही बचेगी और कुछ रहता ही नहीं है। बुराई को त्याग देने से अच्छाई रह जाती है, पाप को त्यागने से पूर्ण धर्म रह जाता है, और संसार की कल्पना ही जब छोड़ दोगे तो प्रभु की ओर अपने आप जुड़ते चले जाओगे। सतगुरु यही चाहता है कि आप उन बुराइयों से बचो। आज समाज में जो बुराइयां हैं, संस्कार रहित हो गए हैं बच्चे। वो जमाना था बूढ़े बुजुर्गों से, दादी दादों से, नानी नानों से, या ताऊ और बुजुर्ग जितने होते थे, शिक्षा भरी छोटी छोटी बातें जो सुनते थे उनसे उनके चरित्र का निर्माण होता था, उनको संस्कार मिलते थे बच्चों को, उनमें यही चीज़ें होती थी, शिक्षा पूर्ण होती थी कि बूढ़े बुजुर्ग की कदर करनी चाहिए, उनके अनुभव की बातों का अनुसरण करना चाहिए, मानना चाहिए, कोई भी ऐसा निषिद्ध काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी बुराई हो, माँ बाप की बुराई हो, या हमारे समाज पर कोई ऐसी बात आए या खानदान पर कोई कलंक लगे, नहीं करनी चाहिए। आज देखते हैं सबकी सब उल्ट बातें हैं, कोई धर्म कर्म शर्म कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं रहा। जिम्मेवार कौन है? हम जिम्मेवार हैं। इस सभ्य समाज में हमने ऐसा प्रवेश किया है कि संस्कार रहित हो गए। दुख होता है रोजाना जब बातें देखते हैं सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, धर्म कर्म को भी देखते हैं तो लज्जा आती है कि जिस रास्ते पर हम चलते हैं किस समाज को क्या शिक्षा दे रहे हैं, समाज हमसे क्या शिक्षा ले रहा है, क्या समझ ले रहा है, कहां सूरज शब्द का योग, कहां अभ्यास, कहां मुक्ति की बातें होंगी। ये सुधारवादी बात भी हम अपनाते नहीं है। माँ बाप डरता है बच्चे को अच्छी बात नहीं बोल सकता, क्यों नहीं बोल सकता? उसके खुद के अंदर का नहीं। जो इंसान खुद सच्चा है, खुद अच्छा है, खुद जिन बातों का अनुसरण करता है, वो अपने बच्चों को नहीं दूसरों को भी कह सकता है। और जिन्होंने इन चीजों की कमाई कर रखी, इन पर चलता है, दूसरे को कहेगा, उनका असर होगा। आज ये इतने धर्म हैं, इतने इनके नाम हैं, इतने धर्माचार्य हैं, कितना प्रचार करते हैं, समाज के लोगों पर क्यों प्रभाव नहीं? वादा करते हैं हम, वादा खिलाफी करते हैं, वादा करते हैं शराब नहीं पिएंगे, बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे, चोरी नहीं करेंगे, यहाँ से निकलते ही करेंगे, कोई गाड़ी की ओट में जाएगा बीड़ी पीने के लिए सिगरेट पीने के लिए, कोई कहेगा गलती से रिश्तेदार ने शराब पिला दी मुझे, विचार देखो कि इतने गंदे होंगे, यहाँ से निकलते ही एक दूसरे की बुराई में लग जाओगे कि वो ये करता है वो ये करता है, मेड़ तेर की भावना है। अच्छे आदमी को बुरा कहते हो, बुरे को तुम बुरा कह ही नहीं सकते, डरते हो,
चापलूसी करते हो, जब तक इन बुराइयों से नहीं छूटते हो, साई के मार्ग को कैसे अपनाओगे? आज जो हालात है, भ्रूण हत्या जैसा पाप करते हो, इससे बढ़ के कोई जुल्म नहीं है। मानते परमात्मा को, परमात्मा के कामों में दखल देते हो। संत तो कहते हैं मौज में रहो, संत कहते हैं मालिक जो करता है जैसे हालात में रखता है उसको तुम तोहफा समझ के कबूल करो। दुख आता है दुख को अपनाओ, सुख आता है सुख को अपनाओ। असलियत तो यह है कि वो दुख सुख सब हमारे किए हुए कर्म का परिणाम है। हमने जो कर्म किए थे वो उसका परिणाम भोगने के लिए यहाँ बैठे हैं, लेकिन उसको हम परमात्मा की देन मानते हैं। लेकिन मानते हो तो ये समझो ना, वो भी मौज है कि हमारे कर्म कटाए जा रहे हैं। अगर बुरे थे तो बुरे भुगतवाए जा रहे हैं, अच्छे थे तो उसके बदले में अच्छा मिला है। लेकिन आज अगर अच्छा नहीं करते तो आगे के लिए क्या किया? हमारे प्रारब्ध को बिगाड़ लिया हमने। अच्छी बात सुनने में बड़ा दुख लगता है, बुरी बात रात दिन सुनते रहोगे। सांग सिनेमा हो, नाटकबाजी हो, नाचने कूदने वाले हो, अरे नकली चीज पे तो चाहे लड़कों को औरत के कपड़े पहना के नचाना शुरू कर दें, उसको औरत मान के सारा चार चार घंटे नाच देखते रहेंगे। पता है नकली है फिर भी देखते हैं, असलियत को नहीं मानते, नकली को मानते हैं। ये पता होते हुए नकली है ये, अरे हमारे से तो अच्छे जानवर भी हैं। रबड़ का चूहा असली बिल्ली के सामने रख दो, उसकी तरफ देखेगी भी नहीं, वो पंजा भी नहीं मारेगी उसको। कुत्ते की तरफ नकली बिल्ली रख दो, वो उसकी तरफ देखेगा झांकेगा नहीं। इंसान है, खुद बनाता है और खुद ही उसकी पूजा करता है। आस्था एक अलग चीज है। पत्थर को पूजते पूजते तुम भगवान की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, पत्थर की पूजा करते करते, लेकिन वो पत्थर पत्थर का पत्थर ही रहता है, वो कभी नहीं, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, उसमें कभी कोई बदलाव आया नहीं। तो पत्थर दिल ना बनके इन बातों को अपने दिल में उतारो, जीवन में अपनाने का प्रयास करो। ये तो है कि आदमी सारी चीज़ों को नहीं अपना सकता, लेकिन उससे अच्छा कर सकता है, बुराइयों से बच सकता है, जीवन को अच्छा बना सकता है। जब जीवन तुम्हारा अच्छा होगा तो तुम, मैंने कही थी कि भक्ति के काम में भी सफल हो जाओगे, कोई देर नहीं लगती। बार बार सत्संगों में आते हो, बार बार वचन सुनते हो, तो जरूर जो भूली हुई बातें हैं वो फिर से उनका ऊपर से जो जमी हुई काई है वो उतरती जाती है। सत्संगों में आया करो, लेकिन अपनाने की कोशिश करो, जीवन में उतारने का प्रयास करो। और उसके लिए जरूरी है कि आदमी सुमरण जरूर करता रहे, चाहे दो मिनट के लिए बैठो, अभ्यास में जरूर बैठा करो, क्योंकि अगर दो दो कदम भी चलोगे तो मंजिल की तरफ कुछ ना कुछ आगे बढ़ते ही चले जाओगे, लेकिन अगर एक ही जगह बैठे रहोगे तो मंजिल तो वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। ये ना सोचो कि कोई काम नहीं कर सकते, तुम्हारा काम अवश्य होगा। मन में एक सच्ची लगन और पूरी विश्वास के साथ जब किसी काम में लगोगे तो तुम्हारा काम भी जरूर पूरा करेगा। सतगुरु महाराज आपको सद्बुद्धि दे, अच्छे रास्ते पे चलाए, भक्ति में आपको कामयाबी सफलता दे, बुराइयों से बचाए और अच्छे गुणों से आपको सराबोर कर दे, भरपूर कर दे, आपके जीवन में शांति और खुशियाँ ही खुशियाँ हों। राधा जन्म सुफल।
जन्म सुफल हो जा।
सबको आशीर्वाद।